मतलब हम समझते हैं एक दूसरे को कि क्या चल रहा है एक दूसरे की जिंदगी में और ये सब चीजें। तो मैं ये सोच रहा था कि लाइक विल यू मैरी मी। सो हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। एंड आई नो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू भैया का ध्यान तो नहीं हो गया। मुझे पता है, मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत करा है मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ। मैं महीने में केवल 2 व्लॉग पोस्ट करता हूँ और मुझे हर रोज इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि बाबू भैया आप मर तो नहीं गए हो। जब भी कोई मुझसे पूछते ना कि बाबू भैया आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है, तो हम उनको एक प्यारी सी गोली देकर के बोल देते हैं और वो व्लॉग आता है 2 हफ्ते बाद। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं 7 डेज 7 व्लॉग चैलेंज करने वाला हूँ। हमारी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट हर व्लॉगर, फ्लाइंग बीच, जट, प्रभजोत, MSK, मुंबई कर निकल, सब लोग डेली व्लॉग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शपथ ली जाए और 7 डेज 7 व्लॉग्स का चैलेंज लिया जाए। मुझे पता है मैंने आज तक अपनी यूट्यूब के करियर में दूसरे दिन भी रेगुलर व्लॉग कभी पोस्ट नहीं करा होगा, लेकिन जस्ट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तो इन साधनों में आपको हर रोज एक नया ब्लॉग दिखने वाला है, तो आई विल बी नीडिंग अ सपोर्ट। मुझे पता है बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। आप लोग जब लाइक कॉमेंट करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन फील होती है। मैं सबके कॉमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों के कॉमेंट पढ़ के इतना ज्यादा मोटिवेशन और अच्छा फील होता है ना। एक पॉइंट के लिए तो लगता है कि क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ, फिर वो फीलिंग आती है नहीं, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। फिलहाल गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस टू द न्यू सीरीज जो हम लोग करने वाले हैं आपकी बात हमारे साथ। ये क्यों सीरीज होने वाली है, लेकिन हम लोग इसको कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपकी बात हमारे साथ। और हाँ गाइस, इस एपिसोड के लिए मेरे को 1000-1200 रिस्पॉन्सेज आए थे। ऑब्वियसली बात है, मैं सारे रिस्पॉन्सेज नहीं ले सकता, तो इस सीरीज में केवल क्वालिटी और इंटरेस्टिंग चीजें ही ऐड होने वाली है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि अगली बार आपका नाम आए, तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछेगा। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें सुमित कुमार, एक्स सुमित कुमार ने पूछा। बेसिकली जिम स्टार्ट कर दे भाई, थोड़ी तो बॉडी शेप में करो। मतलब तुम्हें ये वाली बॉडी अच्छी लगती है मेरी? भयंकर लॉन्डे बोलते हैं पतलो। सही बताओ यार, ये इन बाइसेप्स को, व्हाट डू वी कॉल दैट, बाइसेप्स ही बोलते हैं ना शायद, इन बाइसेप्स को देख करके कोई लड़की फिदा नहीं होगी क्या? एब्स मेरे प्रोसेस में चल रहे हैं, बट स्टिल वर्किंग ऑन दैट। सुमित कुमार, ये वाली बॉडी खराब लग रही है तुम्हें? ये देख रहे हो ये वाले बाइसेप्स और ये वाले बाइसेप्स, कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी भाई तुम्हारे बाबू भैया पे। मुझे ऐसे लगता है लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं अपनी बॉडी को लेकर के। मुझे भी पहले से लगता था, ओ फक, लोग मुझे बोलेंगे तू पतला है, ये है वो है। बट जब तक आप अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हो ना, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम इस लीन बॉडी के साथ एक बहुत मस्ती चीज कर सकते हो, मोस्ट कॉमन एंड एंटिसिपेटेड क्वेश्चन जो कि हमें पूछा है अनंत दक्ष ने। हमें पूछते हैं यूट्यूब से आप कितने पैसे कमा लेते हो। मैं सीरियसली बताऊं, यूट्यूब एडसेंस से इतने ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, बट ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल एपिसोड्स कर रहा हूँ, तो ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स आई एम अर्निंग अराउंड लाइक $500 पर मंथ इंक्लूडिंग यूट्यूब इनकम। बट ये कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, द मोर वीडियोज आई पोस्ट द मोर रेवेन्यू आई गेट। लेकिन ऑनेस्टली जितना मेरा यूट्यूब से इनकम आता है, उतना मैं इंस्टीट्यूट और कॉलेज में पढ़ाकर लाइक डबल ट्रिपल निकाल लेता हूँ। तो यूट्यूब से उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है मेरे लिए कंपेयर टू अदर फील्ड्स। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछा शिव्यांशी था अपने, सैंडी कहाँ है और कैसी है? मैं आपको सैंडी से मिलाता हूँ, बहुत टाइम हो गया लोगों ने सैंडी को नहीं देखा है। सो हियर इज सैंडी गाइस, सैंडी बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है एंड शी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू विस्फोट, ये इतना ज्यादा खा रही है। सैंडी इज ऑलमोस्ट वेरी गुड। फिलहाल आप लोगों को पता है सैंडी का बर्थडे आने वाला है और सैंडी बहुत ज्यादा मस्त कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है इसका वेट 50-60 किलो से तो ऊपर का हो गया होगा। सैंडी आपको लोगों को कुछ कहना है? फिलहाल गाइस सैंडी का बर्थडे आने वाला है, तो हम लोग सैंडी का बर्थडे मनाने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है, मेरे कमर सटका पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम म्यूजिकल इंदर और ये मैं बोलते हैं, सर जी व्हाई यू लेफ्ट द आइडिया ऑफ मेकिंग योर ओन म्यूजिक बैंड? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब अकेले म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ और होप फॉर दी बेस्ट फ्यूचर में कुछ गाने हैं, लेकिन एक गाना मैं आपको सुना देता हूँ अभी। मेरी सांस रुकी के रुकी रह गई, मुझको खबर ही ऐसी मिली, मेरी बीवी किसी और से पट गई, मेरी तो किस्मत ही लुट गई, मेरे सारे जख्मों के शहर में आग लगा के गई, मेरा जो कि सोया हुआ था वो अरमा जगा के गई, अब जा मेरे 2 बच्चों की माँ घर वापस आ जा, कहाँ गई
को छोड़ के कहाँ गई बच्चों को छोड़ के दिल मेरा तोड़ के रात को अब यहाँ होता है खड़ा सवालों का गला उसका क्या सो अगला क्वेश्चन भी हम लोगों को बहुत बारी पूछा गया जो कि मैं पूछा है अनुराग ने या मैं पूछ रहे हैं हेलो आए मेरा नाम अनुराग है ओ माई गॉड आई वॉन्टेड टू आस्क भाई जी नौसा का क्या सीन है यार मैं सही बताऊं तो मेरा सुपर बाइक का प्लान है भी और नहीं भी क्योंकि देखो सीन कुछ ऐसे हैं कि यू नो इस लॉकडाउन ने ना मेरे को बहुत सारी चीजें सिखा दी कि यू डू नीड अ फकिंग बाइक टू मेक अ कॉन्टेंट जो सुपर बाइक दिखाते थे अपने ब्लॉग्स में उन सब लोगों के चैनल आज डेड है देखो आप सब लोगों को पता है कि मेरा सपना है कि मैं सुपर बाइक जी नौसा लूँ बट आई डोंट नो कि वो कब कंप्लीट होगा वो कल भी कंप्लीट हो सकता है वो एक साल बाद भी कंप्लीट हो सकता है शायद ऐसा भी हो ना कि मैं अभी उस पॉइंट को रोक दूँ सो वो पूरा सीन ऐसा है कि जब मन करेगा तो ले लेंगे फिलहाल अभी KTM की तरफ से यू नो दे आर गेटिंग मी अ न्यू सरप्राइज ऑन 160 के स्पेशली लॉकडाउन की वजह से वो डिले हो गया लेकिन बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है KTM हरिद्वार की तरफ से तो वो ब्लॉग भी एक तबाही होने वाला है आप लोगों को पता है कि KTM हरिद्वार इतना कुछ कर दिया है तो इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी तबाही होने वाली है तो अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम इट्स रिशु गौतम ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एम सी मेरा एम टीचर बनना है और मेरी डिग्रियां चल रही हैं मेरा बीएड का डिग्री चल रहा है मेरा एमए का डिग्री चल रहा है मेरा एमकॉम का डिग्री चल रहा है अब लोग बोलेंगे भाई तू तीन तीन डिग्रियां कैसे परस्यू कर रहे हैं मैंने अलग अलग ओपन सोर्सेज से तीन तीन डिग्रियां डाल रखी हैं आई एम जस्ट 22 राइट नाउ लेकिन अगले साल तक मैं प्रोफेशनली बीएड कर लूँगा और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा सपना है यू नो कि मेरे पापा टीचर हैं तो मैं आगे जा करके मैं भी टीचिंग में ही जाऊँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केशव UK07 ने पूछते हैं कि आई एम फ्रॉम देहरादून और मैं ब्रोसेना का पार्ट तो देहरादून में एक मीटअप का क्या सीन है आफ्टर COVID-19 सो देखो केशव मेरा जो पहला मीटअप था वो 100K पे था अब नेक्स्ट मीटअप के लिए मैंने सोच रखा है कि या तो 500K या तो 1 मिलियन या फिर तब जब हमारी सुपर बाइक आएगी तो भाई अभी तो कोई मीटअप के कोई प्लान्स नहीं है बट हम इंस्टाग्राम पे लाइव करते रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है आप वहां पर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछते हैं अजय भादरी आई एम सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा तो हमें पूछते हैं भैया आपके फेवरेट पावर रेंजर कौन से देखो भैया आपको बता दें हम कि हम पावर रेंजर्स के फ़ैन नहीं हैं हम केवल गोकू के फ़ैन हैं और आपको शायद पता ना हो तो हम खुद एक सुपर सैयन हैं हम दिखा दें आपको देख लिया सुपर सैयन 3 था सुपर सैयन 4 हम अगले ब्लॉग में बन के दिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हैरी डू मोर ब्लॉग्स विद नेहा मैम यू बोथ लुक गुड एंड क्वेश्चन इज व्हेन आर यू कमिंग टू CG रायपुर यार नेहा के साथ मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारे ब्लॉग्स करूँ वैसे भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो वो मेरे घर नहीं आ सकती लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग साथ में बहुत सारे ब्लॉग्स करने वाले हैं ऑडियंस को भी नेहा का कॉम्बिनेशन पसंद आता है मेरे साथ तो हमें साथ ब्लॉग करने में और भी ज्यादा मजा आता है एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्पर्श जंगवाल बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइस स्पर्श जंगवाल इज वन ऑफ द रिफाइंड आर्टिस्ट जो अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं मतलब मेरे को ऐसा लगता था ओ भाई क्या गा रहे हो लौंडे तुम तो यू कैन चेक हिम आउट डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब गोल्स कंप्लीट नहीं होते हाउ डू यू ओवरकम द लो फीलिंग मैं पता सही बताऊं स्पर्श मैं गोल ना सेट नहीं करता मेरे को ऐसा लगता है जो चल रहा है ज़िंदगी में चलने दो कभी कभी होता है ऐसा कि जब आप कुछ सोचते हो वो होता नहीं तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने अपनी लाइफ में ना गोल सेट करना छोड़ दिया है मैं बस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मेरे 1 मिलियन हो सही 1 मिलियन इज़ द गोल लेकिन ये जो 1 मिलियन का बीच का प्रोसेस है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है मैं आई डोंट गिव अ डैम कि मेरे 1 मिलियन होंगे नहीं होंगे बट मैं जो प्रोसेस है ना उसको ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ तो रादर दैन फोकसिंग ऑन द गोल फोकस ऑन द प्रोसेस उसमें आप अपने आप को भी ढूंढ लोगे और आपको मजा भी आएगा करने में कि यार ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है एक और क्वेश्चन आया निम्मी को लेकर के जो कि मैं पूछे शादमन ने भैया निम्मी दी के साथ वीडियो बनाओ आजकल बोर हो रहे हैं घर पर वीक पर 2-3 वीडियो निकाल लिया करो तो आई विल प्लान 2-3 वीडियोस लेकिन हर्ष गुप्ता हमसे पूछ रहे हैं शादी कब करोगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आप शादी कब करो आप शादी करोगे हमें बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे आप वर्जिन हो कि नहीं हो आप शादी किससे करोगे आप निम्मी दी से शादी करोगे नहीं करोगे और एक बंदे का डेयर तो ये भी आया था कि निम्मी दी को कॉल करके शादी के लिए प्रपोज करो एंड रिकॉर्ड अ रिएक्शन ऑन द कैमरा आप लोगों को पता है कि यू नो निम्मी प्रपोज मी 2-3 महीने पहले हम लोग बहुत अच्छे नोट पे हैं बट मैंने कभी शादी के लिए नहीं पूछा और निम्मी बहुत अच्छी लड़की है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है सुंदर है और क्या चाहिए बताओ बाबू भैया को और क्या चाहिए तो इस व्लॉग में मैं उसे कॉल करने वाला हूँ
और मैं उसे शादी के लिए पूछने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होगी क्योंकि लॉकडाउन में बंद पड़े हैं, मैं उसको शादी के लिए पूछूंगा। लेट्स रिकॉर्ड अ रिएक्शन। और मुझे पता नहीं कि वो, देखो रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग चीज़ है, बट शादी के लिए पूछना इज अ डिफरेंट थिंग। सो ऑन योर डिमांड लेट मी जस्ट कॉल हर एंड लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन रहता है। हेलो हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया, क्या मुझे हो रहे हैं? कुछ नहीं, बस घूम रहे थे हम बाहर, मैं मम्मी के साथ। घूम कहाँ रहे हो? लॉकडाउन में घूम रहे हो? अरे घर के अंदर घूम रहे हैं। ओह भाई मारो, इतना बुरा जोक, इतना बुरा जोक नहीं आ। कोई बात नहीं, मैं हाथ लो थोड़ा सा। आप बताओ घर में ठीक, मम्मी पापा? मम्मी पापा सब लोग ठीक है, ऑलमोस्ट सब सही चल रहा है। सो रहे क्या? मैंने दिन में टेक्स्ट करा था। हाँ, अच्छी यार। सुनो निम्मी, यार मैं क्या बताऊँ, मेरे को ना मैं Q&A सीरीज कर रहा था एक, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मतलब दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग अबाउट यू कि ना निम्मी के साथ हमें व्लॉग्स में बहुत मजा आता है, हम जब निम्मी को व्लॉग में देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नहीं नहीं, हमें पता है तुम बहुत अच्छी हो, बट स्टिल लोगों को ये रहता है कि यू नो, लोग ये बोल रहे थे कि मतलब निम्मी के साथ 2-3 व्लॉग्स करो और हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालो उसके साथ। तो मैंने तो बोला था, मैंने से बोला था एक्चुअली, मतलब मैंने तुम्हें बोला था कि मतलब तुम घर आ जाओ, बट वो लॉकडाउन चल रहा है तो उसके कारण हम लोग वो ही, कोई नहीं, मैं बचाने आ जाऊंगा तुम्हें। खत्म हो जाएगा, बहुत सारी वीडियो मैं वो ही मजा आते लेकिन तुम्हारे साथ, पता एक्चुअली। थैंक यू। मेरे को ना एक और चीज बोलनी थी तुम्हें वैसे। हाँ बोलो। यार वो लोग ना मेरे से एक क्वेश्चन ये भी कर रहे थे यू नो, कि तू शादी कब कर रहा है ये वो करके, कि मतलब तू तेरा शादी का क्या प्लान है। तो एज यू नो आई एम जस्ट 22 राइट नाउ। बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। किसी से बात कर रहे हो क्या? अरे आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज आ रही है? आप आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, मैं कहा लोगों ने मेरे से ना ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मतलब तुम शादी कब कर रहे हो, कि तुम निम्मी से शादी कर लो और ये वो। मैं कहा यार मैं भी ऐसे ही था कि यू नो, कि हमारी हम इतने अच्छे नोट पे, हम लोग एक दूसरे से मतलब हम समझते हैं एक दूसरे को कि क्या चल रहा है एक दूसरे की ज़िंदगी में और ये सब चीज़ें। तो मैं ये सोच रहा था कि विल यू मैरी मी? अभी तो बहुत छोटी हूँ, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ लोगों ने पूछा तो मैं भी जोश में आके मैंने कहा पूछ लेता हूँ, क्योंकि यार सीरियसली मेरे को ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। देखो ऑब्वियसली बात, जो मेरे लिए पसंद करेंगे। देखो ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड, शादी इज अ बिग डिसीजन, बट स्टिल यू नो कि यू सेड यू लव मी एंड तुम क्रश वाला सीन है ये है वो है, तो मैंने उस नोट पे पूछ लिया। मैंने कहा जिंदगी भर साथ रह सकते हम लोग? ये ना मेरी मम्मी से पूछ रहा हूँ, साथ रह सकते हैं? मम्मी हाँ कर देगी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पता तुम्हें? अच्छा हाँ हाँ सही में, चलो मम्मी ने हाँ कर दी तो हाँ कर दोगे? बाय गॉड, अगर मम्मी ने हाँ कर दी तो हाँ कर दोगे? हाँ, अरे वो शादी का हम बाद में भी देख सकते हैं, कुछ गारंटी भी तो चाहिए ना कि फ्यूचर में तुम मेरे साथ ही रहोगे, कहीं किसी और के साथ नहीं भग जाओगे। भरोसे ना नहीं छोड़ेगी तुम्हें? मेरे को तो कुछ नहीं है भाई, इतने सारे लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ नहीं, आई ट्रस्ट यू, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। तो फिर शादी कर ले। मैं गोलगप्पे की कसम खाती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। बट स्टिल मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ यार, सही में।
क्या चल रहा है ये सब? अरे हाँ सही में, अब समझ आया मुझे क्या सम... व्लॉग शूट कर रहे हो ना, है ना? मैं तुम्हें इतना सीरियस क्वेश्चन व्लॉग शूट करने में पूछूंगा? हाँ। अरे सही में नहीं, व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ मैं, शादी का बाद में देखेंगे, ये सब बकचोदी मत करो अभी, क्या खराब हो रहा मेरा। लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि निम्मी को कॉल कर, लाइक निम्मी को प्रपोज करो शादी के लिए वो, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैंने कहा क्या पता हाँ बोल देगी, बट मेरे को ये पता लग गया कि लड़की की नाम में हाँ होती है, पता तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको पता लग गया, वो तो अब देख लेना तुम इस अच्छा? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लेना तुम अपने बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम देख लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है।